Hey friends, good evening to all. Welcome back to a new vlog. Welcome back to my channel. मैं हूँ पीयू, पीयू के इस फनी सिंपल लाइफस्टाइल वीडियो में आप सभी का स्वागत है. तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा मॉल घूमने. हाँ, तो क्या क्या लेते हैं, क्या करते हैं, सब तो आपके साथ शेयर करते हैं. तो देखते हैं क्या करते हैं, नहीं करते हैं. और ये है मेरा आउटफिट. कुछ नहीं किए, जस्ट थोड़ा सा लिपस्टिक अप्लाई किए हल्का सा, और कुछ नहीं. ये तो पूजा दिए थे उस समय से था, नहा के जब पूजा दिए थे, और सिंदूर का जो टीप लगाए थे तो वही लगा हुआ है, और कुछ नहीं किए. और यहाँ पे इयर रिंग्स पहने हैं, ये वाला आज मैच करके नहीं पहने ऐसे. और ये है मेरा आउटफिट. ये मेरा आउटफिट. और उस दिन जो लिए थे ये फुल टाइप का जो सैंडल, तो उसके साथ यही सैंडल पहनी हूँ. तो चलिए आपके साथ डायरेक्ट मॉल में ही देख मिलते हैं. हाय गाइस, तो हम लोग आ गए हैं बिग बाजार में. और हम लोग ना ये नेल पॉलिश कुछ कुछ ले रहे हैं. मुझे नेल पॉलिश अच्छा लगता है. अच्छा, मेरा नाखून तो है नहीं, फिर भी हम नेल पॉलिश की शौक. मेरी बेटी हंस रही है. यहाँ पे मैं नेल पॉलिश की कलेक्शन कर रही हूँ, क्या लूँगी क्या नहीं लूँगी देखते हैं. फिर मुझे ग्रीन बहुत पसंद है. ग्रीन देखो, तो ग्रीन ग्रीन ग्रीन. यस, यही वाला लेंगे. ठीक गाइस, तो मैं ना अभी बिग बाज़ार से निकल गई हूँ. बहुत ज़्यादा भीड़, और जो भी सामान लेना था ले लिए हैं. और अभी जा रहे हैं बाहर, क्योंकि हस्बैंड वेट कर रहे हैं. तो चलिए बाहर जाके मिलते हैं आपसे. ठीक गाइस, तो अभी आए हैं फुचका खाने. तो अभी मैं और स्नेहा यहाँ पे फुचका का एंजॉय कर रही हूँ. ठीक गाइस, तो मैं ना घर पहुँच गई हूँ, और आपको थोड़ा देर के बाद दिखाती हूँ क्या क्या लिए. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल. तो अभी जस्ट हम उठे नींद से, आप देख पा रहे हैं मुझे. तो अभी उठते हैं, अभी ब्रश करेंगे और देखते हैं क्या करते हैं. जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे. ठीक है, जस्ट अभी उठे. अभी यहाँ पे मेरा मैगी बन रहा है, मेरा नाश्ता. आज मुझे मैगी खाने का बहुत मन हुआ. हाय गाइस, तो मैं ना यहाँ पे अपना नाश्ता लेके आ गई हूँ. मैगी यम्मी. और मैं तैयार हो गई थी बहुत पहले ही नींद से उठ के, उसके बाद आपसे बात नहीं कर पाए, क्योंकि ना वो मैं क्लीनिंग मॉपिंग यही सब करने में बिज़ी हो गई थी, और थोड़ा किचन भी क्लीन करना था, तो इसीलिए मैं बिज़ी हो गई. और कल ना मैं मॉल में गई थी, तो क्या हुआ ना कि मेरा 3 बेडशीट, इतना मैं एक्साइट हो गई कि मतलब डबल बेडशीट हम देखे कि 999 रुपीज़ में 3 डबल बेडशीट मिल रहा है. तो फिर घर जब आए ना तो देखे कि वो सिंगल बेडशीट है. तो ये मेरा ही गलती है. तो देखते हैं चेंज करेगा या नहीं. तो आज एक बार जाएंगे, देखेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो जाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे. तो चलिए पहले मैं ना अपना नाश्ता कंप्लीट कर लेती हूँ. हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल. तो मेरा नहाना हो गया है, और मेरी बेटी जो है स्नेहा, वो ट्यूशन पढ़ने के पहले ही वो नहा के पूजा दे के चली गई थी. तो बाकी मेरा सारा काम हो गया. तो आज हस्बैंड घर में है, तो मतलब बोले कि चलो आज फ्रूट सैलड खा लेते हैं. आज रोज़ रोज़ चावल खाने का मन नहीं करता, तो हम सोचो वही करेंगे. तो इसीलिए आज हम फ्रूट सैलड बना रहे हैं, तो वही खाएंगे हम लोग हर साथ. तो चलिए आपको दिखाता है. और अगर बाहर जाते हैं, वो मैं बोले थे ना कि डबल बेड सोच के सिंगल बेड का चादर हम लेके आए थे, देखते हैं जाके अगर मॉल में चेंज कर देते हैं तो इट्स ओके, क्योंकि हम लोग वहाँ पे बराबर जाते रहते हैं. पता नहीं, कभी तो आज तक चेंज नहीं किए, तो फर्स्ट टाइम ही करूँगी जाके. अगर डबल बेड दे देता है तो मेरा लक अच्छा है, अगर नहीं देता है तो देखते हैं कोई चीज़ में काम लगाता है या तो किसी को दे देंगे, देखते हैं क्या होता है.
तो मेरा लंच अभी आपको दिखाते हैं, साथ में ये मैंगो का फ्रूट जूस। तो गाइस यही है हम लोग का आज का लंच। हाय फ्रेंड्स, तो मैं ना अभी जा रही हूँ मॉल में, विशाल मार्ट में, देवघर में। देखते हैं, मेरे हाथ में देख रहे हैं कितने सारा चादर और सारा कॉटन के हैं। बहुत अच्छा अच्छा क्लॉथ, मतलब चादर है, कलर भी बहुत अच्छा। तो मैंने कल आप लोगों को बोले कि आके हम इसको खोल के आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ, हम खोले ही नहीं। क्योंकि जब हम देख लिया कि सिंगल बेड है तो फिर हम खोले नहीं, क्योंकि क्या पता अगर ऐसे ही डर लग रहा है अगर खोल के फिर अगर नहीं लेगा तो इसी का डर था मुझे। तो इसीलिए जा रहे हैं, हम लोग का कार पार्किंग सामने ही है, यहीं पे रखते हैं तो कार को, तो वहीं कार के सामने जा रहे हैं। तो चलिए, क्योंकि बापी पीछे आ रहे हैं और ताला बंद करके घर को, और स्नेहा कार में चली गई है, तो मैं यही चादर लेके जा रही हूँ अभी। देखते हैं अगर मिल जाएगा डबल बेडशीट तो अच्छा है। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग निकल चुके हैं और आज हम ना ये इयर रिंग जो है ये पहने हैं, क्लब फैक्ट्री से मैंने लिए थे, एक ही ईयर का है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टाइप का इयर रिंग। और पीछे स्नेहा बैठी हुई है, वो म्यूजिक सुन रहे हैं और देखते हैं वो अगर बदल लेते हैं तो उसके बाद आपके साथ मिलते हैं वहाँ पर जाकर। गाइस, तो आ गए मॉल पे, देखिए कितना अच्छा अच्छा। और मैं यहाँ पे कैंडल देख रही हूँ, कैंडल भी लेना है मुझे। और अब अभी गया है एक्सचेंज के लिए, मुझे ये वाला बहुत पसंद आया कैंडल, तो मैं ये ले रही हूँ। फाइनली मुझे बेडशीट मिल ही गया, ले लिया वहाँ पे, डबल बेडशीट हमको मिल ही गया। चलो, आई एम वेरी हैप्पी जो मुझे मिल गया। हाय फ्रेंड्स, तो अभी हम आ चुके हैं और कुछ कुछ जो सामान है इधर है, बापी और उधर बेटी भी कुछ कुछ लेके निकल रहे हैं। तो चलिए, ऑलमोस्ट आ गए हैं घर और शाम हो ही गया है, तो निकले थे बहुत देर, बहुत टाइम हो गया है। और घर में जाके आपके साथ बात करते हैं क्या क्या लिए नहीं लिए, आपको शायद शेयर करेंगे। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, तो मैं अभी घर पहुंच चुकी हूँ और हाथ धो लिए शब से। एंड अभी ना थोड़ा सा बहुत ज़ोर भूख लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी बैठा है, तो अभी होगा मैगी, जो यही अभी लेके आए हैं। तो स्नेहा के लिए मैगी होगा और हम लोग के लिए थोड़ा सा सूजी होगा, हलवाई होगा, लेकिन वो हलवाई जो है वो मीठा नहीं होगा, वो थोड़ा सा तीखा हलवाई होगा। चलिए करते हैं, कैसे करते हैं तो आपके साथ शेयर करते हैं। तो गाइस, मेरा यहाँ पे ना मैगी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और मैं स्नेहा को फटाफट पहले खाने दे देती हूँ, क्योंकि उसे भी बहुत भूख लगा है, साथ में हम लोगों को भी बहुत भूख लगा है। और उसके साथ ही मैं यहाँ पे सूजी भी कर रही हूँ। यहाँ पे मैगी तैयार हो गया। तीखा हलवाई बनाने के लिए पहले यहाँ पे तेल में करी पत्ता दिए थे, उसके बाद ऑनियन को दे दिए, कट के रखे थे, तो ऑनियन भुज जाने के बाद उसके बाद धीरे धीरे कैप्सिकम देंगे, एंड कैप्सिकम और टमाटर दे देंगे। तो टमाटर और कैप्सिकम दे दिए, जल्दी जल्दी आके बहुत जल्दी जल्दी करके हाथ चलाए, क्योंकि बहुत ज़ोर से हम लोगों को भूख लगा था। क्योंकि सुबह में नाश्ता करने के बाद लंच में ना वो फ्रूट्स वगैरह ही खाए थे, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था, और मतलब चेंज करने का भी जल्दी था, तो मुझे जल्दी जल्दी जाना था और जल्दी ही आना है, तो इसीलिए
तो अभी हम दे रहे हैं टर्मरिक पाउडर इसमें, और ये वाला ना बहुत अच्छा लगता है, ये जल्दी में बन भी जाता है और शाम को इस टाइप का मतलब टिफ़िन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो स्नेहा को बहुत जल्दी था तो इसलिए मैं उसे मैगी दे दिए, क्योंकि इससे ज़्यादा जल्दी टिफ़िन और कुछ हो नहीं सकता। और अभी मैं यहाँ पे नमक ऐड कर रही हूँ एंड सारा इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिला लेंगे। मेरे पास आज जो भी सब्जी था वही दे के काम चलाए, प्याज, कैप्सिकम, टमाटर, बस मिर्चा बस, और उसके बाद सूजी को ऐड करूँगी एंड देन उसे बहुत अच्छा से मिला लूँगी। तो यहाँ पे सूजी जो है ऐड कर दिया है, और तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये अच्छा से लाल ना हो जाए, अच्छा से फ्राई ना हो जाए। तो गाइस अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा टमाटर का सॉस ऐड करूँगी, थोड़ा सा हल्का मीठापन के लिए, थोड़ा सा तीखा, थोड़ा सा मीठा, थोड़ा सा नमकीन, बहुत अच्छा ही लगता है। एंड उसके साथ थोड़ा सा ऐड करूँगी ये चिली सॉस, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा ही लगता है, क्योंकि इसका नाम ही है थोड़ा सा तीखा हलवाई। और इसको बहुत अच्छा से चलाते रहेंगे एंड लास्ट में थोड़ा सा हल्का सा एकदम हल्का सा पानी ऐड करेंगे बस, एंड हो जाएगा। ये गरम गरम खाने में ही बहुत अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोगों का ना ये जो झाल वाला जो हलवा था वो भी खाना हो गया, तो अभी पेट ऑलमोस्ट भरा हुआ है। तो अभी हम वहाँ से क्या क्या लिए आपको दिखाते हैं। ये फोक ये लिए, जिसका आपका कुछ हाँ 4 पीस है, 4 पीस का क्या एक साथ ही तो सब बिलिंग होता है, तो इसलिए हमको पता नहीं कि कितना क्या प्राइस है, पर 89 रुपीज़ है ये। एंड सेम ये भी 89 रुपीज़ का है, ये भी 4 पीस है लेकिन काफ़ी भारी है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है। और ये मैंने लिए हैं 65 रुपीज़ में, जो साग वगैरह जो होता है ना वो थोड़ा सा धोने के लिए। और फाइनली मुझे डबल बेडशीट मिल गया, और सिंगल बेडशीट को बदले तो फिर हाँ थोड़ा कुछ लगा हमको, लेकिन हमको मिल गया ये दोनों बेडशीट। और उस रूम में एक बेडशीट मेरा ये है, और ये इमोजी हम लिए हैं, 3 इमोजी लिए हैं 100 रुपीज़ में। ये 3 इमोजी, ये तीनों ही मेरी बेटी चॉइस किए हैं। और ये है शायद 200 का, यस 199 200 का है ये एक ठो लिए। और ये मैंने लिए मसाला वगैरह रखने के लिए। एंड गाइस मुझे कैंडल हम लिए, कैंडल मुझे बहुत पसंद है, सो मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी थोड़ा भारी भी है, और इसके साथ सेंट एसेंशियल जो ऑयल है वो 2 ठो दिए देखिए। एंड पर्पल कलर का मैंने लिए, तो जो जब मैं जलाऊंगी तो तब आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये मुझे मिला है ये शायद 300 रुपीज़ में, ये कैंडल मुझे मिला। एंड कुछ ये लिए क्योंकि मुझे ना फ्रिज में, जब भी फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर करके, या तो कहीं पे भी आप अलमीरा में, या तो कहीं पे भी, क्योंकि जब मुझे कुछ निकालना होता है ना, बेसिकली के दूध का पैकेट जब ला के रखते हैं तो उस समय मुझे बहुत दिक्कत होता है, तो इस टाइप का हम निकाल सकते। तो ऐसे ही मैं वाइट कलर का 3 3 लिए हैं। एंड इनका एक एक का प्राइस है शायद 77 करके। एंड इधर और मैगी तो मैंने दिखा दी है आपको,
क्योंकि उस समय स्नेहा को मैगी बनाया था इसलिए। और ये मैंने सनसिल्क का 2 ग्रीन शैम्पू लिए। पास्ता लिए, पास्ता एक के साथ एक फ्री था, पास्ता लिए। और ये हम लोग शेव बोलते हैं, शेव का पायस जो होता है ना, सवई जो होता है ना, वही जिसका खीर हम मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो बस इतना सा ही शॉपिंग, और बस एक लाइटर, नाइफ एंड कटर यही लिया। तो इसका शायद प्राइस 100 रुपीज़ का है, बहुत सस्ता में ही। तो खैर मुझे बहुत इतना सही मेरा शॉपिंग दिखाते हैं आपको, आपको बोलते गए और बगल में हम रखते गए, बिस्तर में आराम से बैठ के आपके साथ बात करते करते। तो मेरा था आज का इतना सारा ही शॉपिंग था मेरा। एंड अभी शाम होने में थोड़ा टाइम है, तो अभी 7 पूरा पूरी बजा नहीं, और मेरी बेटी शाम बाती दे चुके हैं, तो अभी हम जाएंगे थोड़ा सा चाय बनाएंगे, चाय पियेंगे एंड देखते हैं डिनर के लिए क्या करते हैं। बस आज का ब्लॉग मैं ये ब्लॉग कल ही स्टार्ट की, तो कल गए थे क्योंकि मुझे कल का ही, हम कल ही आप लोगों को जो जो शॉपिंग किए हम क्या क्या ले रहे थे आपको दिखाते, लेकिन रात भी बहुत हो गया, फिर सुबह से भी थोड़ा ब्लॉग स्टार्ट किए। तो एक ब्लॉग करने में गाइज बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को एटलीस्ट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एटलीस्ट लाइक कीजिए, एटलीस्ट देखिए पूरा वीडियो, क्योंकि मैं भी बनाती हूँ तो बहुत मेहनत से ही बनाती हूँ। अब बहुत टाइम लगता है, ये 15 से 16 घंटा से बनाने में लगता है, उसके बाद एडिटिंग वगैरह सब कुछ इतना ईजी नहीं है गाइज, आप समझ सकते हो। सो जो भी हो, तो अभी अब ब्लॉग को मैं ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करूँगी, तो अभी मैं ये ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। सो टेक केयर एंड लव यू टू ऑल एंड गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।